विषयों पर निशुल्क ट्रेनिंग दी है। आप फिल्म डायरेक्टर भी हैं। आप अब तक 4 फिल्मों का निर्माण कर चुके हैं। आप पिछले 30 वर्षों से राजयोग का अभ्यास कर रहे हैं। आपने ब्रह्मा कुमारी संस्थान के मुख्यालय माउंट आबू में ईश्वरीय मानवता की सेवाओं में अपना पूरा जीवन समर्पित किया है। आपके प्रोग्राम समय प्रति समय कई चैनलों पर प्रसारित होते हैं, जैसे दूरदर्शन, जी टीवी, ई टीवी, अवेकनिंग टीवी, पीस ऑफ माइंड न्यूज। आपने परमात्मा की विशेष प्रेरणा गहरी लंबी सांस। इसका साइलेंस म्यूजिक लगे क्योंकि आंखों को बंद करें। गहरी लंबी सांस। देखें आप बहुत सुंदर प्रकृति के स्थान पर हैं। आपके दोनों पैरों के अंगूठे रिलैक्स हो रहे हैं। अपने आप को देखिए प्रकृति के स्थान पर। पैरों के दोनों अंगूठे रिलैक्स हो रहे हैं। रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। पंजे रिलैक्स हो रहे हैं। पंजों से घुटने तक का भाग रिलैक्स हो रहा है। रिलैक्स, रिलैक्स। घुटनों से कमर तक का भाग रिलैक्स हो रहा है। रिलैक्स, रिलैक्स। कमर रिलैक्स हो रही है। पूरा शरीर रिलैक्स हो चुका है। इट रिलैक्स। हार्ट रिलैक्स हो रहा है। फील करें रिलैक्सेशन। हार्ट हार्ट पोर्शन में फील करेंगे रिलैक्सेशन।
गर्दन रिलैक्स, गर्दन रिलैक्स हो रही है, जबड़े रिलैक्स हो रहे हैं, नोज पोर्शन रिलैक्स हो रहा है, मस्तिष्क का अग्रभाग रिलैक्स हो रहा है, रिलैक्स, रिलैक्स, पूरा शरीर रिलैक्स हो चुका है, ब्रेन की एक सेल रिलैक्स हो चुकी है, पूरा शरीर रिलैक्स हो चुका है, ब्रेन की एक एक सेल रिलैक्स हो चुकी है, सफेद कलर की सांस के अंदर, काली कलर की सांस से बाहर, अंदर नेगेटिविटी की सांस से बाहर, फील करेंगे पवित्रता की सांस से अंदर, नेगेटिविटी की सांस से बाहर, पूरा ध्यान श्वासों पर, अब दोनों हथेली मारेंगे, अच्छे से रगड़ेंगे और चेहरे पर लगाएंगे, दोनों हथेली रगड़ लें, चेहरे पर लगाएंगे, बंद करेंगे। कैसा फील कर रहे हैं सभी? रिलैक्स। एक दिन में हमारे माइंड में 60,000 थॉट आते हैं। कितने थॉट आते हैं? 60,000 थॉट, जिसमें 85% थॉट नेगेटिव और वेस्ट होते हैं, 15% थॉट हमारे काम के होते हैं। तो हमें करना क्या है? थॉट की क्वांटिटी को कम करना है और क्वालिटी को बढ़ाना है। स्क्वायर है जहां चारों तरफ से 100 की स्पीड में गाड़ियां आ रही हैं, कोई ट्रैफिक कंट्रोलर नहीं है, कोई पुलिस नहीं है, क्या होगा? एक्सीडेंट होगा, है ना? ब्रेकर है, ठीक है ना? सिग्नल नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो क्या होगा? एक्सीडेंट होगा। हमारे माइंड में एक दिन में 60,000 थॉट आ रहे हैं। कितने थॉट आ रहे हैं जी? जो आप में से अनुभूति होती है, तो हमें क्या करना है? बहुत सुंदर प्रोसेस है, पूरी बॉडी को रिलैक्स, हमें हर घंटे में एक बार कम से कम बॉडी को रिलैक्स करके करते रहना है। एक और प्रोसेस करेंगे हम सभी, रीढ़ की हड्डी सीधी कर लें और अपने माइंड की स्क्रीन पर, माइंड की स्क्रीन जैसे कि एलईडी स्क्रीन है, ऐसे ही माइंड की स्क्रीन पर देखें कि क्या चल रहा है, कौन से थॉट चल रहे हैं, ठीक है? अपने माइंड की स्क्रीन पर देखेंगे कि मेरे माइंड की स्क्रीन पर कौन से थॉट चल रहे हैं, नेगेटिव, पॉजिटिव या कुछ भी नहीं, क्या चल रहा है
पूरा ध्यान फुल फोकस करेंगे अपने माइंड की स्क्रीन पर। चलिए माइंड की स्क्रीन पर क्या चल रहा है, कौन से संकल्प चल रहे हैं, कौन से थॉट चल रहे थे, नेगेटिव पॉजिटिव या कुछ भी नहीं, जिनको कोई थॉट नहीं आ रहे थे, ब्लैंक स्क्रीन आ रही थी या व्हाइट स्क्रीन आ रही थी, वो हाथ उठाएंगे, रेज योर हैंड, लंबा हाथ उठाइए। ओके, जिनको कोई थॉट आ रहा था वो हाथ उठाइए। ओके, नेगेटिव हो सकता पॉजिटिव हो सकता, कोई फर्क नहीं। जैसे ही हमने मन को देखना शुरू किया, हम अपने घर में जब बच्चों को घर में खुला छोड़ देते हैं और हम कहीं चले जाते हैं, बच्चों को छोड़ देते हैं, या संडे है हम कहीं जा रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं कहीं बाहर में, ऑफिस का वर्क है, जा रहे हैं, आप और आपके दोस्त जो है, बच्चे छोटे छोटे हैं ना, 10, 11, 12 साल के हैं, और उनको पूरा घर छोड़ दिया और कह दिया कि हम 4 बजे आएंगे, तो बच्चे और उनके दोस्त क्या करेंगे, पूरे घर में और मस्ती करेंगे, और उनको पता है कि मम्मी या पापा अब आने वाले हैं बस 4 बजे, क्या होगा फिर, घर वगैरह जो अव्यवस्थित था अब क्या हो जाएगा, सब व्यवस्थित हो जाएगा, सब कुछ सेट कर देंगे। तो हमारा मन भी क्या है, बच्चा है, हमने यदि उसे ऐसे ही खुला छोड़ दिया तो वो कुछ भी करेगा, पर जैसे हमने उसको देखने का प्रयास किया, आज आपने अपने मन को देखने का प्रयास किया, जैसे ही हम अपने मन को देखते हैं मन शांत हो जाता है, मन हमारे कंट्रोल में आ जाता है। यदि हमने मन को ऐसे ही छोड़ दिया, मन हमें कंट्रोल करता है। पूरी प्रोग्राम की थीम है, मुख्य है कि अपने माइंड को अपना दोस्त बनाना, मेक योर माइंड योर बेस्ट फ्रेंड। आज हमारा जेल में भी प्रोग्राम था, तो हम अक्सर कैदियों से पूछते हैं कि भाई आप यहाँ कैसे आ गए, तो वो बताते हैं सर हमने ये वीडियो देखा, ऐसी संगत में आए, ऐसी रंगत में आए, और हमारे माइंड ने हमें कंट्रोल करके ऐसे कृत्य करवा दिए, ऐसे अपराध करवा दिए, अब हमें बहुत दुख हो रहा है, पर हम इससे बाहर कैसे निकले। तो उनको भी हम सिखाते हैं, ये देखो यहाँ पर आपने कुछ ऐसे कर्म किए, उसकी सजा यहाँ कैदियों की भी प्रोग्रामिंग हम करते हैं, वहां पर भी जाकर माइंड पावर और पूरी जो ब्लॉकेज रिमूवल टेक्निक हम उनको सिखाते हैं, आज भी हम उनको सिखा कर आए, सबको बहुत अच्छा फील हुआ। तो हमने क्या किया, अपने मन को देखने का जैसे ही प्रयास किया, मन शांत हुआ, कुछ नहीं करना है, हमें अपने माइंड को बेस्ट फ्रेंड बनाना, क्या बनाना है, बेस्ट फ्रेंड बनाना। सभी तैयार है हैप्पीनेस के लिए, हैप्पीनेस 24/7, आप अपने जीवन में 24 घंटे सातों दिन खुश रह सकते हैं, बट क्या करना पड़ेगा, मन को दोस्त बनाना पड़ेगा। सबसे पहला है मन, यदि हमें मान लो तो हार और ठान लो तो जीत है, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत है। तो मन को हम कंट्रोल करेंगे, पूरी मन को कंट्रोल नहीं करना, उसको केवल प्रॉपर काउंसलिंग करना है। छोटे छोटे बच्चों को भी हम प्रोग्राम करते हैं, उनके भी प्रोग्रामिंग कराते हैं माइंड पावर से, और ये जो 3 दिन का जो प्रोग्राम है, ये ही प्रोग्राम है, यहाँ पर कोई भी लेक्चरबाजी नहीं होगी, कोई भी प्रवचन भाषण नहीं है। डॉक्टर्स भी सुबह भी बहुत सारे डॉक्टर्स आए थे आज के प्रोग्राम में, बड़े बड़े कार्डियोलॉजिस्ट, पूना, बॉम्बे, बैंगलोर, मॉरिशस, दुबई, हम हर जगह जाते हैं, तो अलग अलग प्रकार के बड़े बड़े डॉक्टर्स आते हैं, मुख्यमंत्री को हम ट्रेनिंग देते हैं, बॉलीवुड के स्टार तारक मेहता का उल्टा चश्मा, उसकी भी टीम को ट्रेनिंग दे, ऐसे कई हर प्रकार के लोगों को हमारे पास जो आते हैं हमारे ऑडियंस के रूप में, उनको हर लेवल पर ट्रेनिंग देते हैं। हर एक को माइंड पावर की जरूरत है। आज देखा जाए तो हम अपनी बॉडी को चार्ज करते हैं, हम अपने मोबाइल को चार्ज करते हैं, हम अपनी कार को चार्ज करते हैं, हम अपने जीवन में डिफरेंट डिफरेंट गैजेट को चार्ज करते हैं, पर हम अपने माइंड को चार्ज नहीं करते। और माइंड को चार्ज ना करने के कारण ही हमारे लाइफ में 80% प्रॉब्लम। तो हम माइंड को चार्ज करना सीखेंगे, हम हीलिंग सीखेंगे, हम मेडिटेशन सीखेंगे, हमारे ब्लॉकेज को रिमूव करना सीखेंगे, हम अपनी माइंड को पावर को बढ़ाना सीखेंगे, बेटर रिलेशनशिप कैसे हो सके वो हम सीखेंगे, पूर्व जन्म के भी हमारे कोई ऐसे पाप हुए उसको भी कैसे हम नष्ट कर सकते हैं, पाप कर्म को हिसाब किताब कैसे चुप्त कर सकते हैं वो
और हमारे जीवन में ऐसी ऐसी घटना क्यों घट रही है, भगवान से कनेक्टिविटी कैसे करेंगे, इस सारी बहुत सारी चीजों को हम 3 दिन में सीखेंगे। और ये प्रोग्राम बहुत ही प्रैक्टिकल एक्शन ओरिएंटेड प्रोग्राम है, क्योंकि हम IIM IIT और दुनिया के बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन में हम ये प्रोग्राम करते रहते हैं और अभी तक लाखों लोगों के जीवन में परिवर्तन आया है। अभी हम जहाँ भी प्रोग्राम करवाते हैं तो कई जो कलेक्टर या कमिश्नर हमारे आते रहते हैं, एक्सपीरियंस बताते हैं। पुलिस सर का जो प्रोग्राम है, उन्होंने बताया एक कलेक्टर महोदय ने कि सर आपका जो प्रोग्राम है, मैंने अमेरिका में इसी प्रकार का कुछ प्रोग्राम अटेंड किया था, उसकी $1200 फीस थी और आपने बहुत फ्री ऑफ कॉस्ट एक प्रोग्राम दिया। हमने क्या स्टेडियम में भी प्रोग्राम किया था, वहाँ पे 16 लाख रुपए फीस थी, ठीक है ना, कोई दूसरा कोई बंदा था मोटिवेशनल स्पीकर, और हमने वहाँ पे भी निःशुल्क प्रोवाइड किया। पहले मैं भी टिकट्स में प्रोग्राम करता था, आज से 15 साल पहले 10 साल पहले, पर मैंने देखा ब्रह्म कुमारी संस्थान मानवता की निस्वार्थ सेवा कर रहा है 141 कंट्रीज में, तो मेरे अंदर भी प्रेरणा आएगी क्यों ना हम भी भगवान के इस महान कार्य में अपना जो भगवान ने हमारे अंदर विशेषता दी है वो विशेषताओं को सबसे बांटकर अपने जीवन में दुआएं कमाई जाए। दुआओं से बड़ा कुछ नहीं होता है, तो हम अभी पूरी दुनिया में जाकर जो माइंड पावर, मेडिटेशन पावर, हीलिंग एनर्जी है ना, और ये सारी टेक्निक सिखाते हैं पर फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है, और पर इसकी बाहर की दुनिया में बहुत वैल्यू है, बहुत ज्यादा कॉस्ट है, पर इसमें मुझे पैसा तो नहीं मिलता पर दुआ इतनी मिलती है कि कुछ भी मांगना नहीं पड़ता। 3 दिन में आप देखेंगे कि आपके जीवन में क्या परिवर्तन आया। 15,000 ऑडियंस होती है हमारे प्रोग्राम में, ठीक है ना, यूट्यूब में आप देखिएगा, बहुत ज्यादा ऑडियंस होती है और उनके जीवन में सब में परिवर्तन आता। जितनी ज्यादा ऑडियंस होगी उतने ज्यादा वाइब्रेशन फैलेंगे, उतनी ज्यादा हमें एनर्जी मिलेगी, राइट। तो हम बहुत अच्छे सारी टीम, इतने सारे कल हमारे सिस्टर शिवानी जी के प्रोग्राम में लगभग 7,000 लोग पहुंचे थे और उनमें से छठे हुए, उनमें से क्रीम डायमंड भगवान ने आज आपको चुना है अपने लिए। हाथ ऊपर करेंगे एक बार और पीठ थपथपाएंगे, बोलेंगे शाबाश, आपको भगवान ने चुना है, आप बहुत लकी हैं, भाग्यवान हैं कि भगवान ने आपको इस कार्य के लिए चुना है। और आप कहते हैं ना 100 परिवर्तन से 200 परिवर्तन, यहाँ चेंज करेंगे तो पूरा पूरी दुनिया में चेंज हो जाएगा। चलिए सब तैयार हैं, एक्शन ओरिएंटेड प्रोग्राम है, आपको कहा जाएगा खड़े होना है, एक्टिविटी करना है, मेडिटेशन करना है, कुछ लोगों को बुलाया जाएगा, पूरा एक्शन ओरिएंटेड प्रोग्राम, प्रैक्टिकल प्रोग्राम, राइट। चलिए सब तैयार हो जाएंगे, रेडी कर डीसी कर ले, सभी कुर्सी की पेटी बांध लें, तैयार हो जाएं, मुस्कुराएं सभी, सभी मुस्कुराएं। कौन से प्रोग्राम का नाम क्या है? हैप्पीनेस। तो हैप्पीनेस ही हैप्पीनेस हुआ यहां पर, ठीक है। चलिए मुस्कुराइए सभी। एक चेयर जो है, एक चेयर रखवा दीजिए यहां पर, उसको बेस्ट स्माइल अवार्ड मिलेगा, ठीक है। 9 to 1 काउंट करूंगा, जो नहीं मुस्कुराएगा उसको बेस्ट स्माइल अवार्ड मिलेगा, और यहां पर लफड़े को पकड़कर पूरे प्रोग्राम में उसे मुस्कुराना रहेगा, सारे पूरे एंगल्स उसको देखेंगे, ठीक है, ऐसी महान आत्मा वो यहाँ बैठेगी और उनको सब देखेंगे, दर्शनीय मूर्त बन जाएंगे वो, और उनको सब देखेंगे, ऐसा सम्मान जिनको भी चाहिए वो तैयार हो जाइए, वो नहीं मुस्कुराएंगे, उनको अपने आप सम्मान मिलेगा। मैं 9 to 1 काउंट करूंगा, उनको बेस्ट स्माइल अवार्ड मिलेगा, यहाँ बैठ कर उनको मुस्कुराना पड़ेगा, ठीक है। 7 6 5 4 3 तो कैमरा भाई, कैमरामैन भाई जूम करके देख लेना, यदि कुछ ऐसे व्यक्ति हो ना जो नहीं मुस्कुरा रहे, यहाँ भेज देना। 7 6 5 4 3 2 1 मुस्कुराते रहिए, बहुत अच्छा। उस घटना को याद करिए जीवन में, जब आपके जीवन में खुशी के क्षण होंगे, मुस्कुराइए। आपके जीवन में अब खुशियां आने वाली है, आज से आप खुशी के सर्वर से कनेक्ट हो गए, परमात्मा से कनेक्ट हो गए, भगवान से कनेक्ट हो गए। टेंशन को बाय बाय, हैप्पीनेस को हाय, टेंशन को बाय बाय। दो दो की टीम चुन लेंगे, वो टीम आपकी हमेशा रहेगी और उसके साथ आपको एक्टिविटी करनी है, राइट। बहनों और भाइयों को, कल भी मैंने प्रोग्राम बताया था, हस्बैंड वाइफ को साथ में इसलिए नहीं बैठने देता हूँ, बताया था कल, बताया था ना, जो नहीं आए थे तो उनको भी सुन लो, इसलिए क्योंकि प्रोग्राम खत्म होता है, वो अपने हस्बैंड महोदय आते, सर टेक्निक बहुत अच्छी थी और मेरी बीवी कहती पर मेरी पसली में बहुत दर्द है ना, टेक्निक अच्छी थी पसली में दर्द था, लॉजिक सेट नहीं हो रहा, तो पत्नी मैंने कहा क्यों हो रहा, बड़े सर जब भी कोई टेक्निक बता देते मेरी बीवी ऐसी कौन ही मारती, तेरे लिए आया तो
इसलिए मैंने आपको सेट कर दिया है ना, ऐसी दुर्घटनाओं से आप बचे रहेंगे। चलिए दो दो की टीम बना लेंगे, आप दो दो की टीम एक दूसरे को बोलेंगे हैप्पीनेस को हाय, टेंशन को बाय, आई कांटेक्ट टू यू। मुझे हरियाणा में पंजाब में प्रोग्राम करने में इसलिए आनंद आता है, यहाँ पर बहुत सहरे दिल जिंदा दिल दमदार लोग होते हैं, एंजल्स होते हैं, तो मुझे और प्रोग्राम करने में बहुत मजा आता है। जोरदार सर जिंदा दिल मेरा प्रोग्राम हुआ था दो तीन साल पहले, बहुत जबरदस्त इंजॉय और पूरा आपको ये प्रोग्राम अलग ही लेवल पर लेके जाएगा, आपके अंदर में 40 साल पुराने ब्लॉकेज को भी निकाल देगा, 40 साल पुराने ब्लॉकेज। मैं आपको एक अनुभव बता रहा हूँ, एक बंदा प्रोग्राम के दौरान उसने अपना अनुभव शेयर किया, लास्ट दिन वो टेक्निक कराऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक, आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस, बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक, बहुत बहुत। वो बंदे ने स्टेज में आकर कहा सर इस प्रोग्राम के पहले कुछ प्रॉपर्टी का इश्यू था और मैं अपने मामा का मर्डर करने वाला था, और स्टेज में आकर बोला सर मेरी पूरी की पूरी साइकोलॉजी, मेरी पूरी की पूरी प्रोग्रामिंग चेंज हो गई, आज से मैं समझ गया कि मैं कौन हूं, आज के बाद ऐसा कुकृत्य ऐसा आपराधिक कर्म मैं नहीं करूंगा, उसका जीवन ही चेंज हो गया। सास बहू 40 साल से उनका रिलेशनशिप में प्रॉब्लम, हस्बैंड वाइफ के कई बार रिलेशनशिप में प्रॉब्लम, वो एक ही घर में रह रहे, एक ही साथ रह रहे, है ना, जैसे इंटरनेट के द्वारा पूरी दुनिया कनेक्ट है पर परिवार में चार लोग आपस में कनेक्ट नहीं है, सबका अपना अपना वाईफाई, सब इधर भाग रहे हैं उधर भाग रहे हैं, राइट। तो क्या करना है, आज बहुत जबरदस्त परिवर्तन आपके जीवन में आने वाला, सभी मुस्कुराइए, सभी मुस्कुराइए, सभी मुस्कुराए, अच्छे से मुस्कुराइए, मुस्कुराइए, और मुस्कुराते मुस्कुराते नेगेटिव थॉट सोचकर बताओ। अच्छा आप अपने लिए आए, किसके लिए आए हैं, डॉक्टर को, डॉक्टर के पास जब जाते हैं तो किसके लिए जाते हैं, पूरे संसार को लेकर जाते हैं, किस लिए आते हैं, आप अपना ट्रीटमेंट कराने आए, इसलिए अपना ट्रीट, किसी को देखना नहीं है इनका क्या हो रहा है, इनका क्या हो रहा है, 1-to-1 फोकस। चलिए मुस्कुराइए, मुस्कुराते हो कोई नेगेटिव थॉट सोचकर बताइए, चिंता की बात दुख की बात, और आगे जाइए, और आगे जाइए बच्चे लोग, और आगे जाइए बच्चों की टीम, बड़ों को हाँ आगे जाइए, बहुत अच्छा। कल एक स्क्रीन बाहर लगाना पड़ेगा, इतने सारे लोग आएंगे कल, बहुत सारे, बहुत अच्छा। चलिए मुस्कुराइए, मुस्कुराते हुए नेगेटिव थॉट सोचकर बताइए, सभी मुस्कुराइए, अच्छे से मुस्कुराइए, अभी कई लोग नहीं मुस्कुरा रहे, ऐसा करिए और बाजू वाले टीम मेंबर को देखो ऐसे करके, ओके, मुस्कुराते मुस्कुराते नेगेटिव थॉट सोचकर बताइए, चिंता के बाद दुख के बाद घर की टेंशन बच्चों की टेंशन कुछ भी सोचकर बताइए, आ रहा है किसी को, मुस्कुराते हुए कोई दुख की बात आ रही है, आपके माइंड की टीवी पर कौन सा चैनल चालू है, हैप्पीनेस का चैनल चालू है, ठीक है, आपके पास जो भी पावर पोजीशन पद पोजीशन प्रतिष्ठा जो भी है आपके माइंड में सेट, मैं इतना बड़ा ये हूँ वो सब थोड़े समय के लिए गेट के बाहर रखवा देता हूँ, बच्चा बना लेता हूँ, सभी हमारे सामने करेंगे, जो भी आपके मन में है कि मैं इतना बड़ा हूँ ये हूँ वो हूँ सब हाथ पे रखिए और गेट के बाहर फेंक दीजिए, अब बच्चा बन जाइए, क्या है आप, किसके बच्चे, परमात्मा के बच्चे, अब आपका स्वरूप स्क्रीन पर आने वाला है, ठीक है, अब आप देखना इसमें से आप कौन से बच्चे, राइट, आपका स्वरूप स्क्रीन पर आने वाला है और आपको देखना है इसमें से आप कौन से बच्चे, मुस्कुराते मुस्कुराते बचपन के दिनों में पहुंच जाएंगे, कहते हैं ताली बजाने से हार्ट अटैक नहीं होता, लैपिंग पसंद नहीं है बता दो आपको, हाँ सामने म्यूजिक के साथ क्लैपिंग करेंगे, 3-2-1 हो एक साथ।
1970, Dr. Herbert Benson, then at Harvard Medical School, believes this allows cholesterol to build up more easily and blood clots are more apt to form. In 1970, Dr. Herbert Benson, then at Harvard Medical School, discovered that when we are in Mahila, kya hai abhi is
स्ट्रेस में है, दिखाई दे रही? जब आप स्ट्रेस में होते हैं तो क्या होता है, अंदर में कोरोनरी आर्टरीज में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ती है, जब कोलेस्ट्रॉल की मात्रा इतनी बढ़ जाती है फिर ब्लड फ्लो बंद हो जाता है, हार्ट अटैक आ जाता है। ठीक है, जैसे किसान आंदोलन में पूरी रोड जाम हो गई, ऐसे ब्लड जाम हो जाता है, फिर क्या होता है, राम राम सत्य होता है और कुछ नहीं होता है। सुबह सुबह मिली ना, बहुत अच्छे थे, रात में कल ही बता रहे थे दीदी ना, कई लोग मिलते तो हैं पर सुबह मिलते नहीं है, क्यों नहीं मिलते? फिजिकली बहुत अच्छे दिखाई दे रहे पर इमोशनल उनकी हेल्थ, मेंटल हेल्थ ठीक नहीं है, अंदर में बहुत बातों को पकड़ कर रखा, अपना दिल नहीं खोला अपनों के सामने, भगवान के सामने तो खोला जाता है, डॉक्टर के सामने डॉक्टर खोलता है ना, फिर हार्ट अटैक आता है, तो बाईपास वो सब कष्ट करता है। यस और नो? क्या करना है ध्यान से, जब आप स्ट्रेस में होते हैं बार बार बातों को घुमाते हैं, बातों को पकड़ कर रखते हैं, किसी ने कुछ कह दिया, खुद सबसे पहले किसी ने कुछ कहा और आपने उस बात को पकड़ा, या आपने किसी के प्रति नेगेटिव थॉट किया, सबसे पहले दुख किसको होता है? खुद को होता है। सबसे पहले किसको नुकसान कर रहे हैं? अपने आप को। क्रोध कर रहे हैं, सबसे पहले किसको नुकसान कर रहे हैं? कोई ईर्ष्या द्वेष घृणा नहीं है मेरे दिल में, राइट? ऐसे करके ओम करेंगे और जब ऐसा रहेगा, जो फेंकोगे जो भेजोगे वही रिटर्न आएगा। चलिए एक साथ, जब पॉजिटिव भेजेंगे तो क्या मिलेगी? इतना बोलने से कैसा लग रहा है? रिलैक्स लग रहा है, क्योंकि कल दीदी ने एक बहुत अच्छी बात कही थी कि आपको कहा ना आप इसका बुरा कर दो, ऐसा कोई सेंटेंस पर आप सबने कहा था? नहीं बोला ही नहीं था। या सुनो, क्यों नहीं बोला था? आत्मा का द्विज गुण जो है ना, वो शांति है, पवित्रता है, ज्ञान है, शांति है, सुख है, आनंद है। एक बंदा आया, मैं मालेगांव में प्रोग्राम कर रहा था मुंबई के पास में, तो वहां पर एक बोलता है बंदा, सर बोले कैसे हमारा जीवन, बोले सुख शांति है, आप शांति कैसे है? मैंने कहा ठीक है क्रोध करके बताओ, तो दो तीन मिनट किया उसने क्रोध, मैंने कहा और करो, बोले सर हो गया। मैंने कैसा लग रहा है? बोले सर मुझे शांत रहने की इच्छा हो रही है। मैंने क्रोध कितना घंटे कर सकते हो? बोले ज्यादा से ज्यादा आधा घंटे, 15-20 मिनट, उसके बाद कौन से मोड में जाना चाहते हो? बोले शांत। तो ओरिजिनल मोड क्या है हमारा? शांति। आप क्यों यहाँ पर आए? क्योंकि ओरिजिनल मोड आपका ज्ञान है, पवित्रता, या गंदगी रहती है ना, बदबू रहती है, आप बैठते नहीं बैठते, क्योंकि ओरिजिनल गुण क्या है हमारा? शांति, पवित्रता, ज्ञान, शक्ति, ये हमारे ओरिजिनल गुण है। पर क्या हुआ, ओरिजिनल गुण में दाग लग गए, ओरिजिनल गुण में कहीं ना कहीं दाग लग गए, ठीक है? और वही दाग, वही ब्लॉकेज हमारी बॉडी में भी आते हैं। आत्मा में यदि मैल है ना, आत्मा यदि इम्प्योर है, उसका इफेक्ट बॉडी पर होता है, राइट? मन में होता है, पूरी बॉडी पर होता है। एक बुक जरूर आप अपने जीवन में पढ़िएगा, यू कैन हील योर माइंड, इसमें क्लियर बताया है ई टू जेड कौन कौन से थॉट से कौन सी बीमारी होती है। जो ईर्ष्या करता है उसको, ईर्ष्या करने वाले को कौन सी बीमारी होती है? अल्सर की बीमारी होती है। जो बहुत घमंडी होता है उसको अलग बीमारी होती है। जो बहुत क्रोध करता है उसको कैंसर से रिलेटेड बीमारी होती है ना। जो घमंड घमंड करता है उसको यहाँ एक पट्टा बांध देता है डॉक्टर, सर्वाइकल से रिलेटेड बीमारी होती है। इधर भी देखना है, इधर भी देखना, सामने देख, उसकी सारी अकड़ नीचे हो जाती है। एक एक नेगेटिव थॉट की एक ही बीमारी है। कौन सा थॉट करना है हमें? पता चल गया जो मैं भेजूंगा, जो मैं थॉट भेजूंगा वही मुझे रिटर्न आएगा। आप ऊपर करेंगे, ठीक है? अब हम एक प्रैक्टिकल करेंगे, ठीक है? पहले सामने भेजेंगे, मैं बोलूंगा वन टू व्हाइट, तो व्हाइट कलर की बॉल आप फेंकेंगे सामने, वन टू व्हाइट, व्हाइट बोलिए, वन टू व्हाइट, रिटर्न कौन सी आएगी?
ओके आप मैं ब्रदर के साइड से हां आप कैमरा उधर कर लीजिए आप देख लीजिए बेटा वो किधर से इधर देखना 1 2 वाइड देखेंगे ना 1 2 वाइड चलिए अब रिटर्न करेंगे 1 2 वाइड चलो 1 2 ब्लैक देखो मैं इनको बोला इधर से पहले से तैयार है घर में झगड़े के कारण यही है पता नहीं है कौन सा तीर सामने से आ रहा है पर हमें तो तैयार रहना तलवार से चलिए 1 2 वाइट देखो 1 2 रिटर्न करो 1 2 ब्लैक हेलो हेलो ब्लैक देखो ना अच्छा पता चल गया बहन जी लोग बैठी होंगे देखती हूँ तो ब्लैक फेंक रहे हैं वहां तो बहुत बन रहे थे तो आओ तो तुम घर में तो बेलन और झाड़ू से प्रोग्राम करते हो अच्छा इसलिए नहीं फेंक रहे आप चलो 1 2 खुशी खुशी तो फेंक दो जीएसटी लगी है क्या फेंको 1 2 खुशी रिटर्न क्या करोगे आप देखो पहले आप जो भेजोगे वही रिटर्न करेंगे ठीक है गुस्सा भेजोगे तो क्या होगा गुस्सा ही मिलेगा झाड़ू और बेलन खुशी भेजोगे क्या मिलेगा आपकी चॉइस है क्या चाहिए आपको बहन जी आप लोगों को क्या चाहिए आप गुस्सा करोगे तो भाई जी लोगों से क्या मिलेगा गुस्सा मिलेगा ठीक है क्या भेजना है बताओ खुशी भेजना राइट जब हम खुश रहते हैं हमारे पॉजिटिव हार्मोन सीक्रेट होते हैं कौन से हार्मोन सीक्रेट होते हैं और जब हम स्ट्रेस में रहते हैं तनाव में रहते हैं तो क्या होता देखिए अंदर है ना देखिए from stress and blood clots are more apt to form जब भी अब कभी चिंता की बात आए दुख की बात आए टेंशन की बात आए बातों को घुमाने वाली रिपीट कर ओवरथिंकिंग है समझ जाना कोरोनरी आर्टरीज में ब्लॉकेज जो भी मन में ब्लॉकेज होगा उसके कारण बीमारी होगी चलिए मुस्कुराते रहिए मुस्कुराते हुए कोई नेगेटिव थॉट आ रहा है दुख की बात चिंता की बात अच्छा वाइट वन देखिए सामने वाइट ब्लैक नेगेटिव एनर्जी नहीं भेजना अब हम एक बहुत सुंदर प्रैक्टिकल करेंगे कुछ भाई ऊपर आ जाएंगे स्टेज में सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे जो भी मेरे सामने एंजल्स हैं इनके जीवन में
सुखी सुख हो, इनका भला हो, इनका कल्याण हो। भगवान इनके जीवन में बहुत बहुत शक्ति आए, सदा ये सुखी रहें, निरोगी रहें, निर्विघ्न रहें, निर्भय रहें, परमात्मा के बच्चे बन जाएं, इनका जीवन का सब दुख दूर हो जाए, सब काल कंटक दूर हो जाए, सदा धनवान हो, संपत्तिवान हो, सदा समृद्धि हो, पॉजिटिव। ठीक है, वही आपको फिर रिटर्न क्या मिलेगा? पॉजिटिव, राइट। आप क्या करना, एक बार मेरे तरफ देखेंगे सभी इधर, अच्छा सब चेहरा इधर करेंगे ना, सब चेहरे इधर करेंगे। सास बहू कई बार आ जाते हैं ना, वैसे एक दूसरे के गले पकड़ लेती है वो, ऐसे इसलिए इधर करो चेहरा, पीछे एक दूसरे का आमने सामने नहीं रहना चाहिए। अब पॉजिटिव, पॉजिटिव का मन से सोचना है, हाथ से क्या करना है, धीरे धीरे मसाज करनी है, गला भी दबाना है, कंधे दबाना है, तो धीरे धीरे बुजुर्गों का ख्याल रखना है, और मुख से क्या करना है, गाना गाना है। ठीक है, चलिए म्यूजिक के साथ। Thank you.
एकदम आपके चेहरे पर मार दिया जाए तो ऐसी आपकी सबके आत्मा में जो पावर है सबकी पावर स्प्रेड हो रही है, सबको मिल रही है, जाओ एनर्जी यहाँ क्रिएट हो रही है, सबकी दुआएं आपको मिल रही है, बहुत जबरदस्त प्रैक्टिकल यहाँ हो रहा है, फील हो रहा है आपको हैप्पीनेस? बहुत अच्छा। क्या चाहते हैं हमारे जीवन में? अब हम हैप्पीनेस के इंजेक्शन को लगाएंगे, राइट? हैप्पीनेस के इंजेक्शन को लगाएंगे। चलिए क्या करना है, दो उंगली ले लेंगे ऐसे, बॉडी में कुछ पार्ट है हमारे जहां से हम पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन को अपनी बॉडी में सबकॉन्शियस माइंड में अंदर में हम इंसर्ट कर सकते हैं, राइट? सबसे पहला है ब्रह्मरंध्र यहाँ सिंपल, सेकंड पॉइंट है आईब्रोज के ऊपर, थर्ड पॉइंट है आंखों के नीचे, फोर्थ पॉइंट है यहाँ पर नाक के नीचे, देन उसके बाद चिन, उसके बाद कंठ, उसके बाद हार्ट, राइट? अब हम क्या करेंगे, सात सात बार पूरी शिद्दत के साथ, पूरी एकाग्रता के साथ सात सात बार टैप करेंगे, सात सात बार एक एक पॉइंट में टैप करेंगे। जैसे कि सबसे पहले कमांड देंगे आई एम हैप्पी, क्या कमांड देंगे? पूरे विश्वास के साथ कि मैं क्या हूं, हैप्पी हूं, मैं खुशनुमा हूं, और कोई कमांड नहीं है ना, मैं डिप्रेशन में हूं तो क्या कमांड जाएगी अंदर में, है ना, डिप्रेशन वाली कमांड जाएगी, ठीक है, तो फिर गलत हो जाएगा, इसलिए कौन सी कमांड देंगे, आई एम, चलिए आई एम, कमांड एक एक बार सात एक पॉइंट में सात सात बार आई एम हैप्पी बोल रहे हैं ना, कोई मजबूरी से तो नहीं कर रहे, हैप्पी हो जाओ ना, उसको आगे में इंसर्ट करेंगे, पावरफुल वाली कमांड करनी है, ऐसे ऐसे नहीं करना, ऐसे ऐसे करते रियल में फीलिंग के साथ, एनर्जी के साथ, ठीक है, आई एम पावरफुल, आई एम पावरफुल, सात सात बार टेबल पर रखा हुआ है, सभी लोग सबसे पहले कहां ढूंढेंगे, टेबल पर ढूंढेंगे, राइट? बात जो वस्तु यहां थी तो वहीं ढूंढेंगे ना, यस और नो? यस। इसी प्रकार ऐसा करके सब यहां ऐसा करिए, बोलिए टेंशन कहां है लाइफ में, चिंता कहां है, दुख कहां है, नेगेटिविटी कहां है, बातों को पकड़ने वाली बातें कहां, सब कुछ कहां है, बात ओवर थिंकिंग कहां है ना, ईर्ष्या कहां आती है, स्ट्रेस कहाँ आता है, बदला लेने की भावना, घृणा लेने की, सारी नेगेटिविटी, टॉक्सिन, ब्लॉकेज यहाँ पर, राइट? तो सलूशन कहाँ होगा, प्रॉब्लम यहाँ है तो सलूशन कहाँ होगा, अब यदि प्रॉब्लम यहाँ है जैसे किसी को टेंशन आ गया तो सलूशन कहाँ होगा, मन में है ना, प्रॉब्लम मन में है, मूड मूड कहता है ना, मूड तो मूड माइंड में प्रॉब्लम है तो प्रॉब्लम का सलूशन माइंड में होगा, अब प्रॉब्लम यहाँ आई, स्ट्रेस यहाँ आया, जाते हैं दारू भट्टी में, बियर बार में, वहां सलूशन ढूंढते हैं और वहां जाकर ब्रेन को बेहोश कर लेते हैं और सोचते हैं सलूशन हो गया, पर फिर से जब दारू उतरेगी, शराब का नशा कम होगा तो फिर से प्रॉब्लम तो वही रहेगी, यस और नो? कई लोग कहते हैं मूड बहुत अपसेट है, चलो कुल्लू मनाली शिमला घूम कर आते हैं, बाहर जाते हैं अंदर नहीं जाते, प्रॉब्लम कहाँ है, अंदर है, जाते कहाँ है,
सोल्यूशन मिलेगा। कस्तूरी ब्रेन में कस्तूरी कहां है? उसकी नाभि में, भागता बाहर है, राइट। इसी प्रकार हमारे अंदर की सारी प्रॉब्लम कहां है? कहते हैं एक बार देवताओं की मीटिंग हुई, तो मीटिंग में ये सेट किया गया कि यदि मनुष्य को पता चल जाए कि उसके पास अनलिमिटेड पावर है तो मनुष्य कुछ भी कर सकता है। कुछ कहते हैं देवताओं की सारी पावर को आकाश में छुपा देते हैं, कुछ कहते हैं पाताल में छुपा देते हैं, कुछ कहते हैं गुफा में छुपा देते हैं, पर एक इंटेलिजेंट देवता जिनका IQ EQ SQ HQ बहुत बहुत ही जबरदस्त था, वो कहते हैं मनुष्य आकाश में भी जाएगा, पाताल में भी जाएगा, गुफा में भी जाएगा, पर खुद के अंदर नहीं जाएगा। तो भगवान ने सारी पावर कहां छुपा दी है? भगवान ने सारी पावर छुपाई हमारे अंदर भी, हम भागते बाहर हैं, सोल्यूशन बाहर ढूंढ रहे हैं, सोल्यूशन बाहर नहीं है, सोल्यूशन हमारे अंदर है। सब दुनिया की सारी सोल्यूशन, सब कुछ हमारे अंदर है, हम ही अपने जीवन को बदल सकते हैं और कोई नहीं बदल सकता, हम ही हमारे बेस्ट फ्रेंड है सबसे पहले। यस और नो? कहते हैं एक बार जब हनुमान जी अपनी शक्तियों को भूल गए थे, मेमोरीज उनको भूल गए थे कि मेरे पास इतनी पावर है, तब किन्होंने याद दिलाया था? जाम मंदिर है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप सब हनुमान जी के समान शक्तिशाली हैं, बहुत ऊर्जावान हैं, बहुत शक्तिशाली हैं, पर आप अपना पासवर्ड भूल गए। मुझे भगवान ने जामवंत के रूप में माउंट आबू से भेजा है। मैं क्या करने वाला हूँ, 3 दिन में आपके खोए हुए पासवर्ड को आपको रिकॉल कराने वाला हूँ, बस। और कुछ मैजिक नहीं, क्योंकि कोई मैं बहुत बड़ा कोई महागुरु महामंडलेश्वर नहीं हूँ कि कोई आशीर्वाद दे दूँ। आशीर्वाद सिर्फ परमात्मा दे सकता है। आजकल के कई गुरु ऐसे निकले हैं, कहते तुम्हारा भला हो जाए, बैंक में 0 अकाउंट और तुम्हारा भला हो जाए, चेक बाउंस हो जाता है। जिसके खाते में खुद के अकाउंट में 0 बैलेंस है और वो कहेगा तुम्हारा भला हो जाए, क्या होगा? फिर कुछ नहीं होगा, है ना। अब हम एक प्रैक्टिकल देखते हैं। प्रैक्टिकल, जब आप मुस्कुराते हैं तो आप 50% रिलीज ही तो बच गए, अब हैप्पीनेस, ठीक है। तो खुशी कहाँ है हमारे जीवन में बताइए? खुशी कहाँ है? शक्ति कहाँ है? एनर्जी कहाँ है? सब कुछ हमारे अंदर है। हम भागते कहाँ है? सारा सोल्यूशन यहीं पर है, सारा सोल्यूशन, सब कुछ यही मिल जाएगा, आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं। एक कोई ऐसे व्यक्ति है जो अच्छा डांस कर सकते हैं, भंगड़ा वगैरह कोई भी आ सकते हैं, कोई भी युवा में एक कोई हमारे भाई आ जाइए, फटाफट आ जाइए, कोई भी आ जाइए, हाँ कोई भी आ जाइए फटाफट, जो बहुत अच्छा, आइए ताली बजाइए। तो बहुत अच्छा है, अब भाई जी जो है हमारे सामने बहुत ही सुंदर भंगड़ा करवाते हैं। चलिए अभी हम प्रैक्टिकल जीवन का सत्य देखते हैं, ठीक है। चलिए ठीक है सर। सामने वाले खड़े हो जाएंगे, जो भी खड़े हाँ खड़े हो जाएंगे, जो जो सामने वाले ठीक है।
हाँ मैडम, आपका कौन सा डांस का नाम है? हॉलीवुड, हॉलीवुड। हाँ, हरियाणवी, कुचिपुड़ी, भरतनाट्यम। तैयार हो जाओ। हाँ बोलो, बॉलीवुड। हाँ आप सिस्टर कथक, ठीक है। चलिए, ये अपना डांस बहुत अच्छा कर रहे थे क्योंकि ये उसमें मास्टर है, खुद कंट्रोलिंग में थे। अब दूसरों का डांस कैसे करते हैं देखते हैं। कोई बात नहीं, अब मैं जैसे ही कहूंगा 1 2 3 है ना, अभी आप अपना डांस। एक बार में कितने डांस कर सकते हैं? एक ही कर सकते हैं, कोई भी एक ही कर सकता है। या सुन लो, भरतनाट्यम आप करेंगे, बहन जी आएंगे, जो जो बोलेगा उसी से करवाएंगे। ठीक है, आप ध्यान से सुनिएगा मेरे बताने का उद्देश्य है। जब व्यक्ति अपने कंट्रोल में है, अपना रिमोट अपने पास में, कितनी निश्चिंता से, खुश मिजाज से डांस कर रहे हैं, एंजल का जैसे डांस कर रहे हैं, सब एंजॉय कर रहे हैं, यस और नो? यस। फिर दूसरे व्यक्ति आ गए, सास अपना डांस करवाना चाहती है, पत्नी अपना डांस करवाना चाहती है, पार्टनर, बिजनेस पार्टनर अपना डांस करवाना चाहता है, सब रिमोट कंट्रोल है। आप टीवी हो और आपके सारा रिमोट कंट्रोल है, कौन सा चैनल चालू होगा इस टीवी में, सारे चैनल हैंग हो जाएंगे, यस और नो? टीवी हैंग हो जाएगी, यस और नो? यदि आपका रिमोट कंट्रोल आपके पास है और परमात्मा के पास है, तो आप सबसे दुनिया में सुखी और संतुष्ट इंसान है। और आपका रिमोट कंट्रोल यदि दूसरे को दिया है, दूसरे को दिया मतलब यदि कुछ वो कहता है और आपके जीवन में, आपके चेहरे पर, आपके मन की स्थिति में फर्क पड़ता, समझ जाओ। मैंने सर को बोला, आपका नाम क्या है? सुरजीत सिंह जी। सुरजीत सिंह जी ने कमाल का डांस किया, एक नंबर डांस, जोरदार ताली। ओके, अब मैंने उल्टी कमांड किया, सुरजीत सिंह जी आपका स्टेप ठीक नहीं था, तुरंत दूसरी बटन दबा दिया, आप सुरजीत सिंह जी का चैनल चैनल जाएगा ना। तो हमारे रिमोट कंट्रोल बहुत सारे लोगों को हमने देखा रखे, सास को, बहू को, दुनिया के, समाज के, कितने सारे लोगों को सबसे अप्रूवल चाहिए, कैसी साड़ी पहनी, कैसा लग रही, मूड लेवल ठीक नहीं, बुढ़ाओ ठीक है, मेरे मैं मेरा व्यवहार कैसा है, मेरा सारी चीज सबसे हम अप्रूवल ले रहे हैं इतने सारे लोगों से। हमने फेसबुक पे, इंस्टाग्राम में कोई पोस्ट डाली, ठीक है, जब तक 20-25 कमेंट ना आ जाए तब तक हमारे जीवन में खुशी नहीं आती। तो हमारा रिमोट कंट्रोल किसके पास है? वो फेसबुक की कमेंट और वो इंस्टाग्राम के लाइक्स और शेयर पर, यस और नो? यदि हमारा कमेंट, हमारा रिमोट कंट्रोल दूसरे के लाइक, शेयर और सब्सक्राइब और दूसरे की कमेंट अप्रूवल पर है, तो जीवन में कभी सुखी संतुष्ट नहीं रह सकते। क्या करना पड़ेगा? अपना रिमोट कंट्रोल अपने पास लेना पड़ेगा, ठीक है। ये अपना डांस ही सही कर सकते हैं, भंगड़ा बहुत अच्छा कर रहे हैं। जब आपको दूसरे कोई डांस करना चाहे तो क्या, सबसे रिमोट कंट्रोल वापस ले लीजिए और अपने आप में कमांड दीजिए कि मैं अपना डांस ही सही कर पाऊंगा। मुझे कोई ने भी नेगेटिव कमांड दिया तो मन में कमांड देना कैंसिल, कैंसिल। क्या कमांड देंगे? ठीक है, जब आपको किसी ने कहा आप कोई काम के नहीं हो, जो दूसरा डांस कराना चाहते, आप ठीक नहीं हो, दूसरा डांस कराना चाहते, मन में कमांड देना कैंसर, कैंसर, मैं बहुत शक्तिशाली हूँ, मैं बहुत काम करूँ, यस और नो? ठीक है, बहुत अच्छा, जोरदार। पास के बाद रिमोट कंट्रोल किसके पास रहेगा? किसके पास रहेगा? खुद के पास रहना चाहिए, कभी रिमोट कंट्रोल किसी के पास हमें नहीं देना है आज के बाद। क्लियर होगा? यदि मेरे चेहरे पर क्रोध आ रहा है, गुस्सा आ रहा है, तो रिमोट कंट्रोल कहाँ है? दूसरे के पास है। यदि मेरा रिमोट कंट्रोल मेरे पास रहता तो मैं खुद गुस्सा होगा क्या? बोलिए, गुस्सा होगा? नहीं होता। बहुत अच्छा, जोरदार क्लैपिंग अपने लिए। एक और प्रैक्टिकल, 8-10 भाई ऊपर आ जाएंगे, फटाफट आ जाइए। हां, ओके। घर में झगड़े का कारण, प्रॉब्लम का कारण क्या है वो मैं प्रैक्टिकल आपको बता दूं, राइट? चलिए, सभी चेहरा इधर कर लेंगे, है ना, उस साइड करेंगे। पहले इधर देख लो क्या करना है।
मैं आपको कुछ बताऊंगा, कुछ टेक्निक बताऊंगा, ठीक है, सबका चेहरा उधर रहेगा, आप सिर्फ इनको टच करके वो टेक्निक बताएंगे, जिसको टच किया जाए वो चेहरा इधर रहेगा, बाकी सबका चेहरा इधर रहेगा, उधर रहेगा, ठीक है। मैंने आपको कुछ बताया, कुछ एक्टिविटी आपको टच करना है, टच करेंगे सर पीछे देखेंगे और वही फिर एक्टिविटी सामने वाले को बताएंगे, फिर वो सामने वाले को बताएंगे, ऐसा लास्ट में भी क्या राइट क्या ओके ठीक है। चलिए चेहरा इधर कर लीजिए, जब मैं आपको टच करूंगा तब, और पीछे एक बार बताएंगे अपने वाले को, जैसे कि आपने इनको टच किया आप तुरंत मूव होंगे, आप नहीं होंगे, आप सामने देखते रहो, चलिए अभी देखिएगा तब घर में जो लड़ाई झगड़े का प्रॉब्लम सलूशन क्या है और कारण क्या है। हेलो देखना वही आपको सब बता रहे हैं, पीछे देखिए, जब आपको टच करेंगे तो पीछे देखिए, सामने वाले को बता रहा हूं टच करें, हाँ चलो आगे वाले नहीं भैंस पानी में
पैसे जो भी जितने भी जो भी क्रेडिट कार्ड भी चलेगा, क्रेडिट कार्ड भी चलेगा, अपने अपने पैसे याद रखना, अपने अपने पैसे याद रखना। अब जो मैं बताने वाला हूँ गीता का सार, इसको समझ लिया जीवन की सारी प्रॉब्लम समझ में आ जाएगी। कल जो दीदी बता रहे थे ना एनर्जी, ठीक है, तो सब क्लियर हो जाएगा। मैंने आप सबसे 500 लिया, किसी से 100 लिया, ठीक है, ओके। अब मैं इन्हीं का सोच लो, आप अपनी सारी जायदाद सारी प्रॉपर्टी आपने बेच दिया, राइट, और मैं आपको कहूंगा आपको भगवान के दर्शन करा दूंगा, वाहेगुरु के दर्शन करा दूंगा, जिनको भी आप मानते हो उन भगवान के दर्शन में करा दूंगा, राइट, और आप अपनी सारी प्रॉपर्टी बेच दो और भगवान से आप जो मांगोगे वो मिल जाएगा। और आपने सब बेच दिया, सारे पैसे, और सारे पैसे मुझे, राइट, सारे पैसे आपने मुझे दे दिए, सबने मिल गए। अब मैंने तो बोल दिया कैसा सा हो जाएगा, पर मैं कल से गायब, पैसे सारे लिख गए, सारा पैसा लिया भरा सूटकेस में, मैं कल से गायब। सपने किसके आएंगे आपको रात को? आपके, आपके सपने, बहुत अच्छा है, आएंगे ना आपके सपने, जोर लग ताली बजाई, सही बोल रहे हैं। अब क्या हुआ आगे, मैं 20 दिन नहीं आया, 50 दिन नहीं आया, बहुत ढूंढा आपने, मैं मिला नहीं। अब मैं दूसरी कंट्री में चला गया, बुजुर्ग हो गया, ठीक है, मैं बुजुर्ग हो गया और मैंने शरीर छोड़ दिया। आप भी बुजुर्ग हो गए, आपने भी शरीर छोड़ दिया। अब आपकी एक नए घर में एंट्री, आप सबकी एक था, लेकिन इसमें से आप ससुर बन गए, कोई सास बन गए, कोई पितरानी, कोई जेठानी, कोई ननद, अलग अलग बन, और मेरी एंट्री हुई इनके घर में बहू के रूप में। अब इस सब मिलकर मुझे बहुत प्रताड़ित कर रहे, मेरे पीछे पड़े हुए दिन रात मेरा जीना मुश्किल कर दिया इन लोगों ने। क्यों कर रहे भाई? पिछले जन्म की उधारी, पिछले जन्म की उधारी है। ऐसे ही कोई किसी को प्यार नहीं करता, ऐसे ही कोई किसी को दुख नहीं देता, पिछले जन्म का कर्मा है। मेरा भी आपके साथ कोई बहुत अच्छा कर्मा होगा, इसलिए मैं प्रोग्राम करने आया आपके लिए। दो चॉइस है, अब मैं बहू के रूप में हूं, भगवान उसके रूप में ज्ञान नहीं है, ज्ञान नहीं है, तो मैं भगवान को कोसते रहूं, हे भगवान मेरे जीवन में दुख ही दुख है, मेरे जीवन में प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है, मुझे पता नहीं, मैंने जो बहुत फेंकी थी वो दूसरे जन्म में मुझे ही रिटर्न आ रही है, मुझे पता नहीं, ज्ञान नहीं है, तो मैं क्या दुखी होऊंगा, परेशान होऊंगा, भगवान को कोसते रहूंगा, राइट, यस और नो? अब मुझे ज्ञान हो गया कि नहीं, मैंने जब यदि मेरे जीवन में कोई दुख आ रहा है, मेरा ही किया हुआ कोई कर्म है जो उस जन्म का रिटर्न आ रहा है। अब मैं क्या करूंगा, उन सब से दिल से मेडिटेशन में एक प्रक्रिया होती है क्षमा याचना योग, हम दिल से उन सब को आत्मा रूप में देखकर उनसे क्षमा याचना करेंगे और उनकी वापसी जो भी उनके साथ कर्मा साइट हुआ उनको सबको वापस करेंगे, आपका सब वापस कर लीजिए। आपका कर्मा मैंने क्षमा कर मांग लिया और आपके साथ नेगेटिव व्यवहार कर रहे हैं, मैं मुझे पता है मेरे कर्म के कारण ही मुझे रिटर्न हो रहा है, अब मैं आपके साथ अच्छा व्यवहार करूंगा, ठीक है, कैसे करूंगा, अब हम एक प्रैक्टिकल देखेंगे, ठीक है, कैसे करूंगा देखिए, ध्यान से सुनिएगा, आप इधर आइए, आप जैसे कि आप, मैं यहां पर बहू के रूप में हूं, जैसे भाई है ना, आप हस्बैंड के रूप में, ठीक है, आप मुझे ढकेलेंगे पीछे और बोला मैं राइट, और आप सब भी ढकेलेंगे मुझे मैं राइट, चलिए आप युद्ध पीछे रह जाइए, सब पहले हाथ लगा लीजिए, बोलिए ढकेलिए मैं राइट, बोलिए मैं राइट, बोलिए ढकेलिए ठीक, अब मुझे पता नहीं है, मुझे पता नहीं है, मुझे ज्ञान नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, मैं राइट करूंगा, पर मुझे ज्ञान हो गया कि मैंने जो भेजा था उसके कारण ही ऐसा हुआ है। अब मैं आप क्या करूंगा, मैं मुझे ज्ञान हो गया कि मैं आत्मा हूं, मैं परमात्मा का बच्चा हूं, ये भी आत्मा है, कोई बात नहीं, मेरा कर्म मेरा रिटर्न आ रहा है, इसलिए मुझे एक्सेप्ट करना, आप करवाओ, चलो कोई ताकत से बोलिए राइट, ठीक है, आप राइट एक्सेप्ट कर लिया मैंने, ठीक है, जब मैंने आपको एक्सेप्ट कर लिया, मान लिया मेरी गलती, मैं ही मेरे कारण ही हो रहा है, तो आप मेरे से लड़ोगे नहीं,
एक्सेप्ट कर लिया सबको, कोई बात नहीं, मेरी कोई गलती होगी, उसके कारण ऐसा हो रहा है, तो आप मेरे से लड़ाई करो, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी नहीं हो जाएगी, यस और नो, एक्सेप्ट कर लो, स्वीकार कर लो, स्वीकार नहीं करेंगे तो डिप्रेशन, टेंशन, दुख, चिंता, परेशानी इस जीवन में आपका जीना मुश्किल हो जाएगा, यस और नो। एक तो क्षमा याचना योग करेंगे, जब हम मेडिटेशन करेंगे हीलिंग एनर्जी देंगे, क्योंकि ब्लॉकेज यहां से पूरी लाइन जाम है, ब्लॉकेज है ना, तो हम पावरफुल पावरफुल हीलिंग एनर्जी देते जाएंगे, मेडिटेशन करते जाएंगे, तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा और वाइट एनर्जी हमारा एक्सटेंड हो जाएगा, यस और नो। अब ये होता कैसे, होता कैसे, देखिए अब हम प्रैक्टिकल पे यहां पर खड़े हैं, आप इधर कर रहे हैं, यहां पर अब एक प्रैक्टिकल देखेंगे, जैसे कि आप हस्बैंड है, ठीक है, आप वाइफ, अब हस्बैंड वाइफ, आप आपकी शादी हो गई, कोई दूसरा आप आओ, आपकी भी आप वाइफ, ठीक, अब आपको क्या करना है, एक दूसरे से मांगना है, ठीक है, क्या करना है, तुम मेरा सम्मान किया करो, ठीक है, मैं दिन भर खाना बनाती हूँ, मेहनत करती हूँ, घर में पोछा लगाती हूँ, क्या क्या करते हो, आप बोला तुम मेरा सम्मान करो, मैं ऑफिस जाता हूँ, बिजनेस करता हूँ, इतना करता हूँ, कितनी सारी डील करता हूँ, ठीक है, दोनों से एक दूसरे से मांगना है सम्मान, राइट, सबसे पहले आप इनके साइड करती हूँ, जो ये सारा काम हो रहा है, बच्चे सफल रहे, ये कैसे हो रहा है, तो आपने भी मेरे लेते टाइम ये बोला था कि ये मेरी ड्यूटी होगी, मैं इसका ध्यान रखूंगा, भगवान के सामने भी झूठ बोला नहीं, एक दूसरे के प्रति बहुत एनर्जी, ब्लैक एनर्जी, सब कुछ कर दिया, अब एक दूसरे से मिलेंगे,
ठीक है। अब इनके पैर ही पड़ेंगे ऊपर बोलेंगे सासु मां पाए लगो अंदर बोलेंगे मर जाती तो डेटाबेस करप्ट है तो भगवान क्या कहेंगे
इस रूट की सभी लाइनें व्यस्त हैं, पंकज भगवान संतोष जी की सेवा में मस्त है। फिर आप कितने भी माथा पीट लो, कितने भी कुछ भी कर लो, आपकी दुआ कबूल नहीं होगी, क्योंकि आपके जीवन में जीरो दुआ है, बैलेंस ही नहीं है, कर्म ही नहीं है। यस और नो? करना क्या पड़ेगा? कर्म ऐसे करना पड़ेगा, दुआएं जमा करनी पड़ेगी। क्लियर? मैं आपके पास क्यों आया? ठीक है, अपने आप आपने मन में संकल्प किया संतोष जी, बोलने की जरूरत भी नहीं, सिर्फ मन में संकल्प किया और आपकी मुराद पूरी हो जाएगी, क्योंकि आपकी दुआएं जब कम जमा है, आपके श्रेष्ठ कर्म है, अपने आप क्रेडिट हो जाएगा। आपने बोला भगवान मेरा ये काम करवा दे, अपने आप हो जाएगा। और जिसने कुछ नहीं किया, ऐसे गलत गलत कर्म किए, वो कितना भी कर ले उसका नहीं होगा। यस और नो? क्लियर है कैसे भगवान से बनवाना समझ में आ गया ना? पहले बैंक बैलेंस करना पड़ेगा। कौन सा बैंक बैलेंस? दुआओं का बैंक बैलेंस। मैं भी प्रोग्राम करता था, एक एक दिन में दो दो दिन में 5-5 लाख रुपए कमाता था। किसी ने मुझसे कहा, सर आप फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोग्राम करते हैं? मैं कब फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं करता हूँ, मैं दुआओं वाला प्रोग्राम करता हूँ। आज दिन तक मुझे कभी भी किसी से मांगने की जरूरत नहीं पड़ी, कभी भी किसी से कुछ बोलने की जरूरत नहीं पड़ी, सदा मैं खुश रहता हूँ, सदा मैं अपने जीवन को एंजॉय करता हूँ, क्योंकि मैं दुआएं कमाता हूँ। यस सर। तो आपको भी क्या करना है? पैसा कमाना है वो ठीक है, पर दुआएं भी कमाना है। पैसे से क्या होगा? कई लोगों के पास पैसे बहुत थे, कोरोना के टाइम को पैसे लेकर गए, डॉक्टर ने बोला नहीं हो पाएगा, जिसके पास दुआएं थी उसका सब कुछ हो गया। ठीक है, आज से क्या करेंगे? दुआएं कमाएंगे। ठीक है, सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। अभी 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 प्रैक्टिकल बहुत बहुत संतोष जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी, बहुत अच्छा ग्रेट ना। एक दूसरे को चुगली बताते हैं हम जो एक दूसरे के बारे में नेगेटिव बात करते हैं, अपमान करते हैं। चुगली बताना, चुगली सुनना, चुगली कचरा है या अमृत है? टेलीविजन में जो आजकल की न्यूज आती है पॉजिटिव आती है नेगेटिव आती है? कचरा है या अमृत है? अच्छा, रील्स में जो आता है नेगेटिव आता है पॉजिटिव आता है, कितना कचरा होता है? अच्छा, कचरा कचरा कहाँ डाला जाता है? यदि किसी ने चुगली बताया, बोलिए किसी ने चुगली बताया और हमने उस चुगली को सुना है, तो हम क्या बनते हैं? बोलिए, अब डस्टबिन है। पर किसी की चुगली आपने सुना, अब कई ऐसे लोग होते हैं ना, अंबाला के सेक्टर 1 सेक्टर 2 सारे सेक्टर की न्यूज देकर आएंगे, पता है बोले वहां क्या हुआ? अरे क्या हुआ? धार से पूरा कचरा डंप। अब पूरा कचरा आपके माइंड में डाल दिया उसने, अब आप जब मेडिटेशन करेंगे वो कचरे वाली बात याद आएगी या आपको मेडिटेशन याद आएगी? ऐसे कितने सारे लोग हैं, कितने सारे लोग हैं जो आपके जीवन में कचरा भर दिया, और वो जाकर उनको टेंशन नहीं, वो फ्री। कई ऐसे लोग हैं आपकी लाइफ में, कैसे है देखो, एक बार क्या हुआ, एक किरायेदार था और एक मकान मालिक था। मकान मालिक किरायेदार को कहता है, यदि रात तक आपने मकान को खाली नहीं किया तो मैं आपको पुलिस केस कर दूंगा, कुछ भी हो जाएगा, पूरा किरायेदार सॉरी किराया देना पड़ेगा, नहीं तो आपको भगा देंगे, पुलिस केस कर देंगे। आपको क्या हुआ? जो किरायेदार बहुत ज्यादा टेंशन था, वो यहाँ से वहां चल रहा, बहुत ज्यादा टेंशन है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम, पैसे दूंगा कैसे दूंगा, कहाँ से आएगा, चेक भी नहीं हुआ। अब वो यहाँ से वहाँ वॉक कर रहा है, वॉक। उसकी पत्नी आती कहती है, आप टेंशन मत लो, एक टेक्निक यूज करो, टेंशन ट्रांसफर टेक्निक, फुल फुल अप्रूव टेक्निक है। अब कैमरे में क्या करना पड़े, जाकर सीधे बोलो पैसे नहीं दे सकते। अच्छा ऐसा है क्या? वो जाता है मकान मालिक के पास में, किराया खड़ा था, बोले पैसे नहीं दे सकता, अभी नहीं हो पाया। पहले मकान मालिक घूम रहा था, पहले किराया घूम रहा था, मकान मालिक घूम रहा था। टेंशन ट्रांसफर। कई लोग हमारे जीवन में ऐसे हैं जो समस्या को ट्रांसफर कर देते हैं और समोसा खाने चले जाते हैं, समस्या पकड़े बैठे। यस और नो? देखा होगा वो समोसा खा रहे हैं और हम क्या पकड़ रहे हैं? अब मैं हीलिंग प्रोसेस करने वाला हूँ। हीलिंग आपके जीवन में, आपसे बचपन से लेकर अब तक बहुत सारे ब्लॉकेज आपने मन में रखे होंगे। कैसे ब्लॉकेज? मैं स्क्रीन पर दिखाता हूँ, आपको समझ में आएगा। आपको देखिए स्क्रीन पर देखिए, रेड पैचेस दिख रहे हैं आपको? रेड पैचेस दिखाई दे रहे हैं? हाँ देखिए, ये देखिए हेड पोर्शन में पैच है, शोल्डर पोर्शन में रेड पैचेस है, ब्लॉकेज है, हेड में ब्लॉकेज है। ये जितना जितना हम बातों को पकड़ कर रखते हैं, टॉक्सिन मन में बातों को पकड़ कर रखते हैं, मेंटल हेल्थ ठीक नहीं रहती है, ओवर थिंकिंग करते हैं, घृणा करते हैं, ईर्ष्या करते हैं, जितनी भी नेगेटिविटी हमारे जीवन में रहती है उसके कारण हमारी एथनिक बॉडी में
ब्लॉकेज क्रिएट होते हैं और उसी ब्लॉकेज के कारण बाद में हमारे जीवन में बीमारियां आती है। एक एक नेगेटिव थॉट की एक एक बीमारियां हैं अलग अलग। प्रूव है कि जो व्यक्ति एंगर करता है उसको कैंसर से रिलेटेड बीमारी होती है, जो बहुत ज्यादा बातों को पकड़ता है उसको हार्ट अटैक होता है, जो बातों को शेयर नहीं करता। एक एक नेगेटिव थॉट की एक एक बीमारी है। तो कौन कौन चाहता है हीलिंग क्लीनिंग, कौन कौन चाहता है अंतःकरण से क्लीनिंग, बिल्कुल अंतःकरण से शुद्धिकरण। देखो आपका शरीर में यदि दाग लगा हुआ तो आप स्नान कर लेंगे साफ हो जाएगा, मन का दाग कैसे करेंगे? बीमारी है डॉक्टर ठीक कर देंगे, मन की बीमारी को कैसे करेंगे? उसके लिए हीलर चाहिए, उसके लिए मेडिटेशन चाहिए, उसके लिए परमात्मा से कनेक्टिविटी चाहिए। हमारे प्रोग्राम में बड़े बड़े डॉक्टर्स आते हैं हीलिंग करने के लिए और फूट फूट कर रोते हैं सर मेरे कितने दिन का ब्लॉकेज था, सर आज निकल गया। आपका भी ब्लॉकेज निकलने वाला, सभी तैयार है? यस और नो? समर्पित होके करिएगा, ठीक है? आंखों को बंद कर लें, गहरी लंबी सांस लें, राइट हैंड लंबा करेंगे ऐसा, राइट हैंड लंबा स्ट्रेट करेंगे, पूरा स्ट्रेट ऐसा ऊपर नहीं उठाएंगे, ऐसे रखने के मोड में लंबा, पूरा हाफ नहीं करेंगे पूरा। अब मन में जो भी आपने पकड़ कर रखा, हर्ट बीट कुंडल पश्चाताप नेगेटिविटी जो भी आपने पकड़ कर रखा मन में, उस सब बातों में आप मन से निकाल निकाल कर हाथ में रखती जाइए। हर्ट बीट कुंडल पश्चाताप नेगेटिविटी जो भी है वो निकाल निकाल कर हाथ में रखना है। सोच कर मन से वो किसी से बदला लेने की भावना, किसी से घृणा की भावना है ना, किसी ने हमारे साथ ऐसा कुछ कर्म किया, वो बातें हमारे माइंड में बार बार घूम रही है, और वो बात तो हो गई है, वो व्यक्ति भी चला गया, पर हम अपने आप को बहुत सजा दे रहे हैं उसके कारण। ऐसी कई बातें हर परिवार में हम हस्बैंड वाइफ है, परिवार में साथ में रह रहे हैं, पर एक दूसरे की बातों को पकड़ता रखा है, हेल्दी रिलेशनशिप नहीं है, ब्लॉकेज वाला रिलेशनशिप, टॉक्सिक रिलेशनशिप है ना, इतना ज्यादा कई लोगों के कई ऐसे जीवन में साथी मिल जाते हैं, जीवन पूरा धुआं हो जाता है क्योंकि ब्लॉकेज पकड़ कर रखे हुए। यदि हम उन सब से बाहर निकलना चाहते हैं, हम सबसे बाहर निकलना चाहते हैं, करना क्या पड़ेगा? बाहर निकलने के लिए हम सबसे पहले अपने आप से ही शुरुआत करनी पड़ेगी। हाथ समझा भाग लेंगे, मन में जो जो ब्लॉकेज पकड़ कर रखा आप बचपन से अब तक, सारे ब्लॉकेज को ब्लैक बॉल के रूप में हाथ में रखते जाइए। सब निकालने का हाथ में रख दीजिए। अच्छे से निकालना है सभी को, हार्ट बीट कुंडल पश्चाताप नेगेटिविटी जो भी आप अपने जीवन में आपने पकड़ कर रखा है सब कुछ, बचपन से अब तक। अब मैं कहूंगा कितने दिनों से आपने पकड़ कर रखा है, आपको बोलना है, जोर से बोलना है, हीलिंग करना है, निकालना है बाहर, किसी को नहीं दिखना है। मैं कहूंगा एक साल से पकड़ कर रखा है, यस बोलना है जोर से, निकालना चाहते हैं तो, नहीं तो ब्लॉकेज चाहिए, बीमारी चाहिए, जीवन में दुख चाहिए, समस्या चाहिए तो मत बोलना, और नहीं तो आप हीलिंग चाहते हैं तो बोलिएगा, किसी को नहीं देखना है। जिन्होंने एक साल से पिछले एक साल से पकड़ कर रखा है वो बोलिए जोर से बोलिए, जिन्होंने पिछले पांच सालों से पकड़ कर रखा है, पिछले पांच सालों से, जिन्होंने पिछले 10 सालों से पकड़ कर रखा है, 10 सालों से, जिन्होंने 15 सालों से पकड़ कर रखा है, बेटा तुम्हारी उम्र भी 15 नहीं थी, आगंबा प्रैक्टिकल बताना, ठीक है? कितने दिनों से पकड़ कर रखा है? 15 साल से जिन्होंने पकड़ कर रखा है, 20 सालों से पकड़ कर रखा है, याद करो घटना जो बार बार आपको, आप बहुत बुराने को करते हैं पर भूलती नहीं है, बार बार रिकवर हो जाती है, बाहर आ जाती है, माइंड में आ जाती है, दुखी हो जाते हैं, बचपन की वो घटना से लेकर अब तक 20 साल से, 25 साल से, 25 साल, 30 साल, 35 साल, 40 साल, 50, 50 वाले भी, 55, 55 वाले भी, 60, 60 की उम्र 70 होगी, 60 पकड़ कर रखिए ऐसे, और भी
निकालिए बचपन से लेकर अब तक। किसी के लिए दुर्भावना है वो भी एक ब्लॉकेज है, वो आपको अंदर से रोगी बना रहा है, आपकी मेंटल हेल्थ को प्रॉब्लम कर रहा है। लंबा हाथ करेंगे कोई भी नीचे नहीं करेगा। आप भूल से मत खोलना, ऑपरेशन चल रहा है कोई, आप जिसका हार्ट का ऑपरेशन चल रहा है आप खोल कर देखते हैं, आप तो बहुत ऑपरेशन में आप खोल कर ऑपरेशन करवा रहे हो। हाथ लंबा पी पे अंतःकरण से जो भी सारी चीज निकाली ऊपर से बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुश है, अंदर में ब्लॉकेज है और एक दिन पता नहीं चला क्या हुआ, टिकट कट जाएगी। इसलिए अंतःकरण के सारे ब्लॉकेज को निकालो, हार्ट रेट को उनका पश्चाताप सब क्लीन ही करना है, चार्ज है आप निकालो, सब निकालो। बच्चों के प्रति कुछ होगा, लड़के के प्रति कुछ होगा, भाई के प्रति कुछ होगा, सास के प्रति कुछ होगा, इससे तो बदला लेकर रहूंगी छोड़ूंगी नहीं, ऐसे कई हैं। देखो अपने आप जो हंस रहे हैं, अपने हाथ पर आपने मन की बात बोल दिया, निकालो सब। मेरी नंद ने मेरे साथ एक किया, मेरी इंसल्ट की थी एक बार, मेरे बच्चों ने सबके सामने ऐसा कर दिया, अपमान किया, वो सब ब्लॉकेज पकड़ कर बैठे, बोल नहीं पा रहे, सबसे अच्छा बोल के हल्के हो जाए वो बात नहीं है, पर पकड़ कर बैठा है तो ब्लॉकेज होने वाले हैं, ब्लॉकेज के कारण बीमारियां होती, पकड़ कर बैठे। निकालिए सभी को, बिल्कुल निकाल दीजिए, दो चॉइस है। अच्छा वो कौन सा जानवर उठाता है, जोर से बोलो कौन हो आप, और भी कई ऐसे लोग जो बिल्कुल मस्त मौला रहते हैं, स्ट्रेस फ्री रहते हैं, राइट? ओके, चलिए हाथ लंबा करके रहिए, पकड़ के सब ब्लॉकेज निकालना, क्लियर करना है पूरा आज। हाथ दर्द दे रहा है, हाथ दर्द दे रहा है, लंबा हाथ करके हाथ दर्द दे रहा है, मन में कब से दर्द दे रहा होगा, 40 साल, 40 साल मन का दर्द महसूस नहीं हुआ आपको, वो बहुत बड़ा जब दर्द पैनिक हो जाता है, बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल हो जाता है, फिर बीमारी के रूप में बाहर विस्फोट होता है, फिर आप कुछ नहीं कर पाते, इतने स्टेज का ही, इतने स्टेज का ही ब्रेन ट्यूमर हो गया है ना, ब्रेन हेमरेज हो गया, कारण क्या है, एक ब्लॉकेज मन की सोच। हर मिनट में हमारे नए हार्मोन, हमारे नए सेल क्रिएट होते हैं, ठीक है। आप यदि बार बार नेगेटिव ब्लॉकेज में रहेंगे, एटीट्यूड में रहेंगे, बिलीफ सिस्टम में रहेंगे, वही सेल बनेंगे, वही सिस्टम बनेगा बॉडी का और वही बीमारियां होंगी। मैं अंतःकरण का मैकेनिज्म चेंज करना चाहता हूं, आपका माइंडसेट चेंज करना चाहता हूं, दो चॉइस है, दर्द दे रहा है और पकड़ कर रखेंगे, एक सारे बंद कर दो, एक घंटे तक पकड़ कर रखो, पकड़ो वो भी जब तक आपके तरफ से पुकार नहीं आएगी, सर बहुत हो गया छोड़वा दीजिए अब नहीं करेंगे आज के बाद, ऐसा तब तक नहीं बोलेगा जब तक मैं कुछ नहीं करूंगा, पकड़े रहो, ऐसे पकड़े रहो, 40 साल से पकड़ा, दर्द दे रहा है, और अच्छे से पकड़ो और अच्छा डाल दो, हो गए आप भी बस कर दूंगा मैं, 40 साल से पकड़ कर रखा है, मैं तो बस कर दूंगा, बोलो 3-2-1 हाथ नीचे हो जाएंगे, मन कब से पकड़ कर रखा आपने, कब नीचे करेंगे बताइए, करना चाहते हैं, यस और नो, पक्का समझ में आएगा, ब्लॉकेज है ना, क्लियर है ना, कैसे जब से पकड़ा मैंने, पकड़ के प्रैक्टिकल में हजारों लाखों लोगों के ब्लॉकेज निकाला है, निकलेंगे, ठीक है। अब मैं 3-2-1 का मान धीरे धीरे आप नीचे करेंगे, आप नीचे करेंगे, हाथ को थोड़ा मसाज कर दीजिए, कैसा लग रहा है, रिलैक्स लग रहा है, थोड़ा हल्का लग रहा है, मन का ब्लॉकेज नहीं निकला, मन का ब्लॉकेज निकाल रहा है, ठीक है। अब क्या करना है, अनुभव करना है कि भगवान जो ईश्वर अल्लाह वाहेगुरु आपके सामने एक बहुत सुंदर एक टोकरी लेकर है सामने, और कह रहे हैं बच्चे तुम चिंता मत करो मैं बैठा हूं, भगवान क्या कहते हैं, भगवान क्या कहते हैं, बच्चे तुम चिंता मत करो, पर आप बच्चे इतने ज्यादा शैतान है, कहते हैं तुम बैठे रहो मैं तो चिंता करूंगा, फिर भगवान कहता ठीक है करो अपना, है ना,
तो आप क्या करना, भगवान को दिल से मानना है। हम कौन है, भगवान के प्यारे एंजल है ना, सभी एंजल है, बड़े बच्चे जैसा शरम नहीं ना, हम एंजल। चलो अब मन में जो जो पकड़ कर रखा वो बैग में डालना है, क्या करना है, थ्री टू वन करूंगा मैं, फील करो जो जो पकड़ कर रखा है एक एक बातों को बैग में भगवान के उस और में तो भगवान के बैग में डालते जाएंगे, जो जो बातें आपके मन में है फील करिए, वो ब्लॉकेज एक एक बॉल को पकड़िए और भगवान के बैग में डालती रहेगी। अच्छा उस दिन उसने ये कहा बार बार रूटी, वो बात को मैं भगवान के उस बैग में डालती सब डालती रहेगी, बिल्कुल हल्का हो जाएगी सारी बातों, सब बातों डालिए ब्लॉकेज भगवान बोल रहे, संकल्प से होता है, संकल्प से सिद्धि होती है, संकल्प से सृष्टि बनती है, संकल्प से सब होता है, सब निकाल दिया ये। कोई आपसे ऐसा भी कर्म हुआ, पाप कर्म हुआ, उसको भी भगवान को समर्पित, भगवान आज के बाद नहीं होगा, सब आपसे अवहेलना हुई, श्रीमद का उल्लंघन हुआ, सब आपसे बैठे नहीं। धीरे धीरे अपने स्थान पर बैठेंगे, धीरे धीरे अपने स्थान पर बैठेंगे। अब इस प्रोसेस में क्या करेंगे, अब अंदर में करना है, ध्यान से देखिए स्क्रीन पर, का प्रकाश पूरी बॉडी में फ्लो हो रहा है और एक एक ब्लॉकेज अंतःकरण में, मन के सारे पाप, सारे ब्लॉकेज, सारे रोग, तन और मन के सारे ब्लॉकेज समाप्त हो रहे हैं। मेरा मन शुद्ध हो रहा है, पवित्र हो रहा है, हील हो रहा है, क्लियर हो रहा है, शांत हो रहा है, लगातार देखते रहे स्क्रीन पर, पहले देख लें कैसे करना है, लगातार वो ब्लॉकेज परमात्मा की एनर्जी आ रही है, आप देखेंगे इतना चार्ज, इतना लाइट आज तक महसूस नहीं हुआ, वो हीलिंग आपकी होने वाली है, सभी अलर्ट होकर करना है, स्क्रीन चालू रहेगी, यदि विजुलाइज नहीं हो रहा, फील नहीं हो रहा तो स्क्रीन पर देखना, फिर फील करना है अगले 10 मिनट, और कोई थॉट नहीं, बहुत प्रॉपर। चलिए शुद्धिकरण हो रहा है, फील करें, हीलिंग, लगातार परमात्मा की हीलिंग एनर्जी आ रही है, परमात्मा का प्रकाश आ रहा है, और कहीं संकट नहीं, चारों तरफ से अपनी बुद्धि को समेट लें, हीलिंग प्रोसेस में लगाएंगे।
सभी बीके भाई बहन पॉजिटिव सकास देंगे सबको। पवित्रता की एनर्जी आ रही है, पूरे मन और तन को हील कर रही है और कोई संकट नहीं, लगातार पवित्रता की बरसात, पवित्रता का झरना मुझ पर गिर रहा है लगातार। जन्मों जन्मों के ब्लॉकेज क्लीन हो रहे हैं, हील हो रहे हैं, सारा स्ट्रेस तनाव समाप्त हो रही है, हल्का महसूस हो रहा है, लाइट लाइट रिलैक्स, कंप्लीटली पूरा ब्रेन रिलैक्स हो चुका है, पूरा ब्रेन रिलैक्स हो चुका है, गला रिलैक्स हो चुका है, दोनों हाथ और अंगुलियां रिलैक्स हो रही है, हार्ट में कोई भी ब्लॉकेज नहीं है, मेरा हार्ट सबके लिए ओपन है, सबके लिए, प्राणी मात्र के लिए मेरा दिल सद्भाव सद्भावनाओं से भरा हुआ है, ब्लड फ्लो बहुत अच्छे से हो रहा है, डाइजेशन प्रोसेस किडनी लंग्स सब ऑर्गन्स एकदम परफेक्ट एक्यूरेट परफॉर्म कर रहे हैं, पूरी बॉडी अंतःकरण से शुद्धिकरण हो रहा है, क्लीन हो रहा है, लगातार परमात्मा का प्रकाश मेरे अंतःकरण का शुद्धिकरण कर रहे हैं। जिस भी आत्मा को मैंने दुख दिया उस आत्मा के संकल्प से मेरे अंतःकरण में जो भी ब्लॉकेज है वो भी समाप्त हो रहा है, उनसे भी माफी मांग लेंगे, मैं उन सब से क्षमा मांगता हूं जिनको भी मैंने दुख दिया जाने अनजाने में। लगातार परमात्मा की एनर्जी आ रही है, लगातार परमात्मा की एनर्जी, पूरा शरीर लाइट लाइट से भर गया है, परमात्मा की हीलिंग एनर्जी से भर गया है, बहुत शांति शक्ति का अनुभव हो रहा है, स्ट्रेस फ्री। अब देखेंगे हैप्पीनेस के बबल्स, हैप्पीनेस के बबल्स ब्रेन में एंटर हो रहे हैं, मुस्कुराते हुए अनुभव करें, वो ब्रेन की एक सेल में जा रहे हैं, मुस्कुराहट के बबल्स आंखों में, मुख में, कानों में बबल्स जा रहे हैं, हैप्पीनेस के, खुशियों के बबल्स, हैप्पीनेस की प्रोग्रामिंग हो रही है, खुशनुमा जीवन की प्रोग्रामिंग, गले में, दोनों हाथों में बबल्स पैक, स्माइली जैसे व्हाट्सएप में स्माइली होती है वो बबल्स बहुत सारे अंतःकरण में समा रहे हैं, वो हैप्पीनेस की एनर्जी अंतःकरण में समा रही है, इस सेल को चार्ज रिचार्ज रिप्रोग्राम कर रही है, गले में पूरे हार्ट में हैप्पीनेस की वो स्माइली बबल्स समा रहे हैं। ब्लॉकेज रिमूव हो गया है और वो ब्लॉकेज रिमूव बोझ के स्थान पर बबल हैप्पीनेस के बबल समा रहे हैं, पेट में, पैरों में, पूरी हैप्पीनेस की प्रोग्रामिंग हो रही है। मैं खुशनुमा हूं, सात बार बोलेंगे मैं खुशनुमा, परमात्मा की मैं संतान हूं, मैं हजार भुजा वाले भगवान का हाथ मेरे सिर पर है, मैं निर्विघ्न हूं, निर्भय हूं, निश्चिंत हूं, निरोगी हूं, हजार भुजा वाले भगवान का हाथ मेरे सिर पर है,
सफलता मूर्त हूँ, संपत्तिवान हूँ, धनवान हूँ, ऊर्जावान हूँ, चरित्रवान हूँ, महान। दोनों के लिए लगने पावरफुल थॉट देंगे, चेहरे पर लगाएंगे बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी के साथ, धीरे धीरे अपनी आंख खोलेंगे बहुत स्लोली स्लोली। अपने व्हाट्सएप में जितने नंबर है सबको दुआएं मंगाना ना, सबको करना है कि नहीं करना है? अंबाला में बार बार तो नहीं आऊंगा, एक बार आपके लिए गोल्डन चांस है। पूरे अंबाला को, सारे लोगों के माइंड को बदल सकते हैं, सारे जीवन। कई लोग इतने स्ट्रेस में, कई लोग इसी स्ट्रेस के कारण सुसाइड कर लेते हैं क्योंकि माइंड कंट्रोल नहीं है। कई लोग ऐसे कर्म कर लेते हैं जेल जाना पड़ता है, उनका भी उद्धार कर सकते हैं। आपका एक कॉल, आपका एक मैसेज कईयों का जीवन बदल सकता है। एक मैसेज हो सकता है आपकी एक गुलाबी पर वो आए और उसके अंतःकरण के कई ब्लॉकेज निकल जाए, उसको कितनी दुआएं मिलेगी आपको बताइए। करना क्या है आपको, अपने आपके जितने भी परिचित है सबको कॉल करके बताइए, है ना, कि आप आइए। ऐसा प्रोग्राम चल रहा है, हीलिंग प्रोग्राम चल रहा है, इसकी लाखों फीस है। सब माउंट आबू से आए हैं, इंटरनेशनल माइंड ट्रेनर है,
आपका जीवन बदल जाएगा 3 दिन में, गारंटी। आप अपने अनुभव से उनको बताइए, राइट। ये कोई लेक्चर नहीं है, हीलिंग होगी तीनों दिन। अभी तो शुरुआत है, और भी बहुत 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 जबरदस्त स्ट्रेंथनिंग को हम करने वाले हैं और परमानेंट होने वाला है, राइट। तो सबको मैसेज करना है, सबको कॉल करना है। जो 10-10 लोगों को लेकर आएगा कल, हाल उठाइए 10-10 लोगों को, हम नहीं नंबर, हम नहीं 10-10 लोगों को नंबर, हाल उठाइए 10-10 लोगों को कॉल करके कम से कम लेकर आएंगे। ओके, बहुत अच्छा। 10-10 लोगों को बताना है और मैसेज करना है, व्हाट्सएप करना है, जरूर हमें स्वयं परिवर्तन होना। सबको ये दुआएं हमारी। थैंक यू सो मच ऑप्शन। दो मिनट के लिए आपके लिए बहुत जरूरी सूचना है। 2 मिनट। एक बार पहले भाई जी का हम बहुत बहुत थैंक्स करेंगे। कैसे करेंगे? जोरदार ताली बजा। आपके लिए कल शाम का सेशन 6:30 से 8:30 बजे का, आज 6 बजे था। कल इस हॉल में एक शादी है तो आधा घंटा लेट होगा। आप सब 6:30 बजे, 6:15 और 6:30 के बीच में अपनी सीट लेंगे। तो कल जो सेशन शुरू होगा वो 6:30 से 8:30 रहेगा, और सुबह वाला भी 6:30 से 8:30 है। सुबह और शाम सेम सेशन होता है। आप में से अगर कोई सुबह अटेंड करना चाहे तो सुबह अपने लिए भी जोरदार ताली बजाएं, और कल तक एक प्रण लेके जाएं कि जैसे यहाँ से मुस्कुराते हुए जा रहे हैं, कल ऐसे ही मुस्कुराते हुए वापस आएंगे। कुछ भी हो जाए, अपनी खुशी को गायब नहीं करेंगे। ओम शांति।